हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं श्रृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीबीएस इन रशिया यस यू हॉड इट राइट आई एम द वन ऑलवेज टॉक अबाउट एडवांटेजेस इन रशिया बट आई एम ऑनस्ट एन ऑफ टू टेलीउट डिस सो इन दिस वीडियो मेक श्योर यू वॉच एस टीडियो में वो सारी डिस कवर्ड होने वाली है या आई वु से चैलेंजेस कवर्ड होने वाले हैं जो आप फेस कर सकते हैं वाई यू चूज एम बी बी एस इन रशिया बिफोर आई गोहड इन द वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस कि आपके माइंड में ऐसा कौन सा डर है एम बी बी एस अब्रॉड को लेकर के डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्योंकि ना किसी ना किसी के माइंड में ना कुछ ना कुछ रहता है कि शायद वहाँ पे ऐसा नहीं होगा शायद वहाँ पे वैसा नहीं होगा जो भी आपके यू you नो know, डर होंगे या जो भी आपके डाउट्स होंगे आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू विद द क्लैरिटी ऑन इट क्या वो सही है क्या वो गलत है या कंडीशन कैसी है सो मेक श्योर टू कमेंट टू गेट एन आंसर आई होप की आप सबने कमेंट कर दिया होगा ना लेट्स गेट इन टू दीडियो सबसे पहले तो सबसे बड़ा डिस ऑफ द वेदर देखो ये क्वेश्चन ना मुझसे बहुत सारे लोग पूछते भी है कि मैम हम रशिया जा तो रहे हैं बट वहां का वेदर जो है इट्स क्वाइट हार्श तो क्या हम वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या वेदर एक्चुअली में है कैसा देखो यहाँ पे आपको क्या करना है ना यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ स्मार्ट एनफ टू चूज़ द राइट यूनिवर्सिटी इन द राइट लोकेशन देखो वहाँ पे ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ टेम्परेचर माइनस फिफ्टी या माइनस सिक्सटी तक भी जाता है तो आप क्या कर सकते हैं आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ ना करें या ऐसे एरियाज़ में आप ना जाएं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा नीचे जा रहा है या फिर वेदर थोड़ा सा ज़्यादा हार्श है तो सबसे पहली चीज़ चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए ऐसी लोकेशन पे वो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ पे वेदर इतना ज़्यादा हार्श ना हो आजकल गूगल पे सब कुछ मिल जाता है यू कैन चेक द हिस्ट्री ऑफ द यू नो वेदर ऑफ़ दैट पर्टिकुलर सिटी राउंड द ईयर दैट इज़ वन थिंग सेकेंड थिंग देखो अब वो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी लोग रहते हैं वहाँ पे भी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं आप सोचो कि शायद वो यूनिवर्सिटी हो सकता है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हो लेकिन वहाँ पे वेदर जो है वो माइनस फिफ्टी हो लेकिन आपको जाना उसी यूनिवर्सिटी में तब आप क्या करोगे देखो आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है इफ़ आई टॉक अबाउट द हॉस्टल एंड द यूनिवर्सिटी दोनों की दोनों चीज़ें ना सेंट्रलाइज्ड हीटेड हैं और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ब्लो ड्रायर चल रहे हैं या फिर जो ड्राई वाले हीटर होते हैं वो वो नहीं है पूरा पाइपिंग सिस्टम ही रशिया ने ऐसा किया हुआ है कि वहाँ पे ना आई पुट अ पिक्चर हेयर आपको दिख जाएगा वो इस तरह के हीटर्स होते हैं जिसमें ना गर्म पानी चलता रहता है ट्वेंटी फोर बाइ से तो मतलब आपको ड्राईनेस भी नहीं होती है एट द सेम टाइम पूरी बिल्डिंग जो है वो गर्म रहती है द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेट लाइक दैट अब ये तो हो गई आपकी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल की बात दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ट्रैवलिंग के टाइम पे तो जो भी आपका बसेस हैं या जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हीटेड रहेगा बट हाँ देखो ठंड तो ठंड थंट है सबके लिए है तो वहां के कपड़े भी उस हिसाब से बने हुए हैं दैट दैट इज़ वी से डू नॉट स्नो जैकेट्स एंड गम बूट्स फ्रॉम इंडिया जब भी आप रशिया जा रहे हैं तो स्नो जैकेट्स और गम बूट्स जो है वो इंडिया से ना खरीदें आप रशिया जा के ही खरीदें क्योंकि वो क्वालिटी वहां के वेदर के हिसाब से बनी है यहाँ के डी कैथलॉन के माइनस ट्वेंटी डिग्रीज वाले इज एक्चुअली वर्थ है वो काम नहीं करते हैं तो इसीलिए इट विल बी बेटर इफ यू गो देयर एंड बाय गम बूट्स एंड स्नो जैकेट्स फ्रॉम रशिया इट्स तो अगर आपको जाना है ऐसी यूनिवर्सिटी में जो ऐसे रीजन में है तो डरने की जरूरत नहीं है मेक अप योर माइंड टू अकोमोडेट सेकेंड आप चॉइस ऐसा कर सकते हैं जहां पे वेदर ऐसा ना हो दैट इज द वन डिसएडवांटेज द फोर मोस्ट डिसडवाटेज ऑफ एम बी बी एस इन रशिया द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ एम बी बी एस इन रशिया इज द फूड देखो बींग इंडियन वी लव फूड वी लव टू ईट चाहे वो मैं भी क्यों ना, इट्स सेम फॉर ऑल अ फर्स्ट बट एट द सेम टाइम जब रशिया चूज़ करते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस नहीं है येस यू हर दैट राइट इंडियन मेस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है बट एट द सेम टाइम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस है भी सही तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं या आपको सेल्फ कुक नहीं करना है या आपको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है नॉट यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न इट उस केस में आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जहाँ पे इंडियन मैथ अवेलेबल हो इंडियन मैथ अवेलेबल यूनिवर्सिटी चूज करोगे तो यू विल हैव पीस ऑफ माइंड कि हाँ आपको खाना तो बना बनाया मिल रहा है और इंडियन मिल रहा है देखो एक चीज़ हो गई खाना मिलना और दूसरी चीज़ हो गई उस खाने में टेस्ट घर जैसा खाना दुनिया में कहीं नहीं होता है चाहे वो मेरे घर का मेरे लिए हो या आपके घर का आपके लिए तो इसलिए आपको करना क्या है थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा आप इंडिया में भी कभी किसी हॉस्टल में रहे होंगे अगर तो यू वुड नो द डिफरेंस ऑफ घर का खाना एंड बाहर का खाना तो so, थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा इवन इफ यू चूज इंडियन मेस दूसरी प्रॉब्लम मेस में क्या आती है कि वहाँ पे दो टाइम खाना मिलता है देखो बीइंग एन इंडियन हम लोगों को चार चार टाइम खाने की ज़रूरत होती है बट या इंडियन मेस में दो ही टाइम खाना मिलता है ब्रेकफास्ट यूजली नहीं मिलता है या फिर ब्रेकफास्ट या डिनर मिलता है लंच नहीं मिलता है या फिर लंच एंड डिनर मिलता है ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है इन ऑल दीज सीना स्टूडेंट को एक मील तो खुद से कुक करनी ही पड़ती है बहुत सारे स्टूडेंट को आदत हो जाती है दो मील में एडजस्ट करने की और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ़ कुक करते हैं तो ये तो हो गई इंडियन मेस और उसके चैलेंजेस की बात अब अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मेस है ही नहीं सी वहाँ पे ना इंडियन स्टूडेंट्स uh, के लिए जो हॉस्टल्स एलोकेट होते हैं उन सब बच्चों को क्या होता है कि किचन की फैसिलिटी हॉस्टल में ही मिलती है मतलब यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट उसमें इलेक्ट्रिक स्टोव होता है जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडक्शन होते हैं बेसिकली दैट इज हाउ इट वर्क्स इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं और साथ में चिमनीज हैं सिंक है पानी वगैरह सब कुछ है सो यू कैन यूज किचन टू मेक योर मील्स आपको ये करना ही पड़ेगा स्पेशली इफ़ यू आर चूजिंग अ यूनिवर्सिटी विदाउट इंडियन मैस या इनफैक्ट विदाउट मैस स्पेसिफिकली क्योंकि रशियन मैस जैसा तो कुछ वैसे भी नहीं है और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे ना इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं इन केस यू आर द वन जिसको बाहर का खाना पसंद है तो इंडियन रेस्टोरेंस यूनिवर्सिटी के आसपास एरिया में आपको आसानी से मिल जाएंगे और तीसरा ऑप्शन आपके पास है टिफ़िन सिस्टम वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ना टिफ़िन भी डिलीवर करते हैं इन केस यू चूज़ अ यूनिवर्सिटी जहाँ पे मेस नहीं है तो आप वहाँ पे टिफ़िन लगवा सकते हैं बट टिफ़िन में थोड़ा सा चैलेंज ये रहता है कि ना वेदर काफ़ी ठंडा है तो खाना आते आते ठंडा हो जाता है यू हैव टू री तो ये सब चैलेंजेस रहेंगे इन टर्म्स ऑफ फूड तो ये आपके दो डिसएडवांटेज हो गए पहला हो गया आपका वेदर का दूसरा हो गया आपका खाने का तीसरा डिसएडवांटेज है आपका एकोमोडेशन का देखो अब आप सोच रहे होंगे कि एकोमोडेशन में क्या दिक्कत आ सकती है एकोमोडेशन में भी दिक्कत आ सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू चूज़ अ यूनिवर्सिटी जो ओवर है वहाँ पर हॉस्टल्स आसानी से नहीं मिलेंगे देखो ओवर क्राउडेड आई वुड से बश्ड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी डू वेरी फ्रेंक दैट इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जहाँ पे इस टाइम पे इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं तो हॉस्टल में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ थ्री शेयरिंग दे हैव शिफ्ट शेयरिंग नाउ शेयरिंग बढ़ गई है और दूसरी चीज़ वहाँ पर हुई क्या है कि आसानी से हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं होते फॉर एग्जाम्पल आपको जाते ही हॉस्टल नहीं मिलेंगे मतलब दे वुड गिव यू द प्लेस टू अकोमोडेट ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर रहना पड़ेगा हॉस्टल की तरफ से ही आपको प्लेस मिलेगा रहने के लिए बट रूम एलोकेशन थोड़ा सा लेट हो जाता है उस केस में और दूसरी प्रॉब्लम आती है क्लिनलीनेस की देखो आप अगर हॉस्टल में जा रहे हो मेक योर सेल्फ प्रिपेयर कि आपको थोड़ी बहुत सफाई खुद से करनी ही पड़ेगी जिस भी एरिया में आप रह रहे हो देखो चाहे ना वहाँ पे साफ करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो वो सफाई वाले अंकल या आंटी आते हैं बट एट द सेम टाइम वो कॉरिडोर साफ़ कर देते हैं बाथरूम साफ कर देते हैं बट अपना रूम अपना बेड आपको खुद से ही साफ करना होगा यू नो बींग अम्पर्ड चाइल्ड आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू बट आपको ये करना ही पड़ेगा वैन यू चूज एम बी बी एस इन रशिया तो ये चैलेंज आपके पास हमेशा रहेगा उसके बाद एक और चैलेंज रहता है वो रहता है वॉशिंग योर ओन क्लोथ्स आई नो सुनने में बहुत ईजी लगता है बट यू नो घर बैठे तो करते हुए मिल रहा है इसलिए ईजी लग रहा है वंस यू आर देयर आपको खुद से करना पड़ेगा वॉशिंग मशीन्स हैं सी वॉशिंग मशीन है बट आपको कपड़े धोने खुद से पड़ेंगे दैट इज़ अ चैलेंज उसके बाद जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एम बी बी एस इन रशिया का वो है बजट को लेकर के हम हमेशा कहते हैं एम बी बी एस इन रशिया इज़ नोन फॉर इट्स मोस्ट एफोर्डेबल एम बी बी एस इन द वर्ल्ड दैट इज़ ट्रू ऑलो बट एट द सेम टाइम होता क्या है बहुत सारी कंसल्टेंसीज आपको सही बजट बताती ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू चूज़ अ यूनिवर्सिटी मे बी आप बश् स्टेट का एक एग्जाम्पल ले लीजिए वो आपको बोल देंगे कि आपका ना टोटल बजट बीस से बाईस लाख रहेगा बट वो करते क्या है उसमें वो ट्यूशन फीस ऐड कर देंगे वो हॉस्टल फीस ऐड कर देंगे आपका वीज़ा एक्सटेंशन मेडिकल इंश्योरेंस भी ऐड कर देंगे क्या चीज़ें वो मिस कर देंगे आपका खाना अब बींग इंडियन स्टूडेंट हमें क्या लगता है कि हॉस्टल में खाना तो मिलता ही है क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है लेकिन रशिया में ऐसा नहीं होता है हॉस्टल एंड फूड आर सेपरेटली तो जब भी आप किसी से भी बजट पूछ रहे हैं या बजट को कंपेयर कर रहे हैं मेक श्योर टू चेक कि उसमें खाना एडिड है या खाना अलग से है दैट इज फर्स्ट पार्ट जहाँ पे यू नो देर आर चांसेस कि आपके साथ चेटिंग हो सकती है इन टर्म्स ऑफ बजट दूसरा क्या है आप अपना बजट ना कभी भी बहुत रिजिड लेकर के ना चलेट इज वन ऑफ द डिस क्योंकि देखो हम घर पर भी रहते हैं ना कुछ ना कुछ अनवांटेड एक्सपेंसेस हमारे हो ही जाते हैं इट कुड भी कि हम बीमार हो गए इट कुड भी कोई चीज़ ख़राब हो गई या इट कुड भी हमें इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़ा तो ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया ये सब चीज़ें हमारे घर रहते हुए भी होती हैं द सेम वुड हैपन वेन यू विल बी इन रशिया तो इसीलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर इन योर माइंड कि हाँ अगर बश्र स्टेट यूनिवर्सिटी का बजट मेरा 25 लाख है सब कुछ मिला करके तो एक दो लाख मुझे एक ब्रैकेट लेकर के चलना पड़ेगा जहाँ पे कि अनवांटेड खर्चे जो हैं वो आपके लिए होंगे ही होंगे आप कितना भी अवॉइड कर लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो होती ही होती हैं तो इसलिए योर बजट कैन नॉट बी फिक्स्ड और रिजिड सो दैट इज अ डिसएडवांटेज और दूसरी चीज आपको ना चीट नहीं होना है मेक श्योर टू चेक कि वो सारे खर्चे उस फी स्ट्रक्चर में एडेड है या नहीं है एक और छोटी सी चीज है दिस इज कॉल्ड बायोमेट्रिक्स बहुत बार उसका खर्चा लोग नहीं बताते हैं सो वेन यू चूज अस वेन यू चूज स्टडी अब्रॉड कैंपस वी मेक श्योर कि आपको जाने से पहले एक एक खर्चे के बारे में हम लोग बताएं और बहुत ही ट्रांसपेरेंटली बताएं ऑनेस्टली बताएं कि किस चीज का क्या खर्चा है और एक्सपेक्टेड डेल्टा वैल्यू भी बताएं डेल्टा वैल्यू से मेरा क्या मतलब है कि इन फ्यूचर प्लस माइनस पूरे छह साल है इट इज नॉट अ मैटर ऑफ अ डे और अ टू इट्स अ मैटर ऑफ सिक्स इयर सो वी आर स्टडी अब्रॉड कैंपस गिव यू अर डेल्टा फिगर एज वेल कि आगे आने वाले छः सालों में प्लस माइनस खर्चा आपका कितना हो सकता है जितना इस फी स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है उसके ऊपर प्लस फाइव परसेंट या प्लस टू परसेंट जो है वो चेंजेस होने के चांसेस हैं आपको और कोई नहीं बताएगा बट वी आर स्टडी अब्रॉड कैंपस वी मेक श्योर कि आपको हम एक एक चीज बहुत ही ऑनेस्टली बताएं उसके बाद एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एम इन रशिया देखो अगर आप इंडिया से एम करते हो तो आपको एक साल कम लगता है इंडिया में क्या है साढ़े चार साल का कोर्स है एक साल की इंटर्नशिप है और दैट इज़ ऑल अब पे पे क्या है वहां पे साल का कोर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप बट इंडिया वापस आने के बाद में आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद एक साल की इंटर्नशिप आपको फिर से करनी पड़ेगी तो अगर आप टोटल में देखोगे जो कोर्स आपका इंडिया में साढ़े पांच साल में खत्म होता है वही अब्रॉड के केस में साढ़े छः साल के आसपास में खत्म होता है क्योंकि 5.8 होता है एग्जैक्टली कोर्स रशिया का और एक साल की एक्स्ट्रा इंटर्नशिप तो कहीं ना कहीं एक साल तीन महीने का फर्क जो है आ जाता है इन द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स वेन यू कम्पेयर एम बी बी एस इन इंडिया टू एम बी बी एस इन रशिया ये एक बहुत बड़ा है दैट यू विल लूज़ ऑन योर टाइम बट अगर आप नीट के लिए बार बार ट्राई करते रहेंगे और आपका एडमिशन नहीं होगा देयर ऑल्सो यू आर लूजिंग ऑन योर टाइम तो आपको ना बहुत ही स्मार्टली डिसीजन लेना है वेन यू चूज योर अब्रॉड या इन रशिया एक तो आपको टाइमली डिसीजन लेना है। ये नहीं कि आपका समझ लो आपके वन फिफ्टी मार्क्स है नीट में ठीक है आपने सेकेंड अटेम्प्ट दिया यू स्कोर्ड समवेयर अराउंड फाइव हंड्रेड तो समझ में आता है कि आप तीसरा ड्रॉप भी लो क्योंकि आपने इतना इम्प्रूवमेंट किया है और चांसेस है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका निकल जाएगा बट इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसके पहली बारी में डेढ़ सौ नंबर है दूसरी बार एक सो अस्सी नंबर है तीसरी बार दो सौ है इट डू नॉट मेक सेंस टू टेक अ ड्रॉप आप बार बार ड्रॉप करके सिर्फ अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सेव ऑन योर टाइम सो मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज द की फॉर एम बी बी एस अब्रॉड सो दीज वर सम डिसएडवांटेजेस दैट आई वॉन्टेड टू ब्रिंग अप टू योर नोटिस इन केस यू हैव डाउट अबाउट एनीथिंग एल्स ऑन एम बी बी एस अब्रॉड और यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन एम बी बी एस अब्रॉड एनी कंट्री एनी यूनिवर्सिटी वी आर देयर टू हेल्प Till the next video, I would say goodbye.